बच्चे महारानी के पास से महारानी के पास है। तुम्हार कोड़ो से चमड़ी उड़ा दूं तेरी, बेहया बेशरम खप खाया नहीं, मेरे बच्चों को तूने है गायब किया, पूछता हूँ मुझे तू पता। बहुत चाल बताएगा। नहीं महाराज, मंत्री की चाल बताएगा, महाराज की चाल बताएगा, मेरी चाल बताएगा, बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। महाराज मेरी बात को मानिए, महाराज आप सोचिए मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ। क्यों रे राजन, ये सरासर झूठ बोल रहा है। इस तरह से नहीं मानेगा महाराज। राम जादे, महाराज मैंने न बच्चों की चोरी किया, न हार की चोरी किया, न मैंने महारानी की इज्जत लुटाई, दोनों मिल करके मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं महाराज, सेनापति मान सिंह अभी तक मैं चुप रही, मेरी इज्जत बर्बाद किया, बच्चों को छीन ले गया, लेकिन मैं चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हराम जादे, अरे कमीने कहाँ छुपाया लाल, मार मार कर खींचू पाल। अरे इज्जत का बदला चुकाऊं तुझसे आज, हंटर से खींचूंगी आज तुम्हारी खाल। और कमीने कहाँ छुपाया लाल, मार मार कर खींचू पाल। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ? महाराज अभी तक मैंने सोचा था कि मैं महाराज के सामने अपनी जुबान नहीं खोलूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है सुनो राजन। क्या है सच्चाई? अब सच्चाई बताने जा रहा है महाराज। बोलो। और सच्चे को झूठा लगाती इल्जाम। जरा देखिए महाराज, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आए हुए हैं, एक ही दुनिया में सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। बोलने के लिए मरता है। सच्चे को झूठा लगाती इल्जाम, ये उल्टा
कल जुग की नार। राजन आप से रही है राज छुपाई, गुम किया दोनों बच्चों को एक उल्टा हर जाई। राजन आप से रही है राज छुपाई, गुम किया दोनों बच्चों को एक उल्टा हर जाई। राजन और करती मंत्री से है प्यार, राजन और करती मंत्री से है प्यार, ये खुलका कल जुग की ना। महाराज सुन रहे हैं आप, आप सुन रहे हैं, आपके सामने ये मुझे कुलटा कल जुग की नार, मैं रंडी में हर जाई मच्छी नार हूँ। महाराज ये आपके साथ धोखा हो रहा है, ए, आपके साथ गद्दारी ये लोग कर रहे हैं, एक दिन हाथ मलमल कर पछताओगे महाराज। राम जादे मेरी महारानी किसी प्रदाय स्त्री से कम नहीं। सती अनसुईया महाराज, सती अनसुईया। और तुम इतनी बड़ी पतिव्रता नारी पर इतना बड़ा अकलंक लग रहे हो। सती सावित्री महाराज। हाँ हाँ सती सावित्री। इतनी बड़ी पतिव्रता, हाँ अगर हरे पान पेड़े मगर पानी नहीं साथ झुरा जाए। महाराज छोटा मुंह बड़ी बात मैं कैसे कर सकता हूँ राजन, इतनी बात सुनने पर भी आप चुपचाप खड़े हैं। राजन अगर मुझे कोई कहता तो मैं जान दे देता। राम चौधरी तुम हट जाओ, तुमने मेरी पतिव्रता स्त्री पर कलंक लगाया, आज मैं तेरे जिस्म की खोल खींच लूंगा। राम चौधरी महाराज, मंत्री हरिप्रताप सिंह महाराज, ऐसे नालायक के इंसान देखना, ऐसे नालायक इंसान की शक्ल देखना मुझे पाप है। महाराज ले उठाए हंटर। अब भी सोच लो राजन आपके साथ धोखा हो रहा, महारानी और ये मंत्री मिलकर आपके साथ विश्वासघात करे। राजन मेरी पत्नी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी? और क्या है आप नहीं समझते होंगे राजन, जो मेरे बच्चों को अपने जान से ज्यादा मानती थी। मंत्री अभय प्रताप सिंह ऐसे नालायक की शक्ल देखना पाप है। महाराज कि दुनिया मा औरत का के पहचाने, तय पहचाने है, तय पहचाने है। सोचे महारानी के संगे मुंह काला कर ले तो महारानी बात पचाए नहीं है। कहे पचाई रे, हाँ कहे छुपाई, हाँ अरे तोहरे बड़े आई कि महाराज के बड़े आई यही। सर संगे हाँ एक गंदी जुबान कट करके गिर पड़ेगी तुम्हारी। हमार गंदी जुबान बा? हाँ। अपन मनमानी कर तो हम कुछ ना बोले, हमार जुबान अच्छी है। दुनिया में औरत का के पहचाने, तिरिया चरित्र का दैयउ ना जाने। दुनिया में मैं तिरिया चरित्र कर रही हूँ, तिरिया चरित्र का दैयउ ना जाने। तूने मुझ पर दुहमत लगाया, महारानी की इज्जत बिगाया। ये क्या कह रहे हो? अरे सोच, ये राजमाता हैं, राजमाता के साथ तूने मुंह काला किया। ये राजमाता हैं तो राजपिता है, राजमाता के साथ मुंह काला किया। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मंत्री इंसान नहीं भगवान सब कुछ देख रहे हैं कि मैं महारानी के साथ क्या किया हूँ और दोनों बच्चों को क्या किया। भगवान देख रहा है, भगवान भगवान।
अगर मेरे बीच में किसी ने दखल दराजी करने की कोशिश किया तो काट कर फेंक दूंगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, इस हराम जादे को ले जाओ और हंटर से इसके जिस्म के इसके बदन की चमड़ी खुरच खुरच उतार दो और ले जाओ इसे डाल दो जिंदान में। अभी तक तो मैं सोच रहा था किसको हराम जादे को विषय में कुछ सोचूंगा, लेकिन ले जाओ उसे, इसको कैद खाने में डाल दो और इसे अन्न जल नहीं देना। तड़प तड़प कर एक तड़प तड़प कर अपने उस कैद खाने में जान दे। हाँ महाराज, मुझे जो भी सजा देना हो आप नहीं भगवान देख रहे हैं कि मैंने महारानी के साथ क्या किया, चाहे जो सजा दो लेकिन मेरा ईमान दुरुस्त है राजन। और लाड़ी रे लाड़ी अखिया, अरे महाराज देखिए क्या कह रहा है। लाड़ी रे लाड़ी अखिया धर्म से लड़ी, चाहे फांसी हो ऐ भगवान चाहे लागे हथकड़ी, चाहे फांसी हो ऐ भगवान। लड़ी रे लड़ी अखिया धर्म से लड़ी, चाहे फांसी हो ऐ भगवान चाहे लागे हथकड़ी। क्या है? वो छोटे छोटे बच्चे महारानी जी की धरोहर है। महाराज मैं इन नगरवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि अगर कोई भी मान सिंह को अन्न जल दिया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। मंत्री महाराज, महारानी की हालत तो देखिए। महाराज महारानी जी की हालत बिगड़ती चली जा रही है राजन। ले जाओ महारानी को राजवैद्य के पास, इनका अच्छा सा अच्छा उपचार कराओ। ठीक है राजन। और जाओ सेनापति मान सिंह, तुम पर मैंने विश्वास किया, तुमने मेरे बच्चों को मारकर गंगा की धार में फेंक दिया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आओ महारानी। महारानी छबीली। देखा मंत्री जी, ये महारानी छबीली की पहली शतरंज की चाल है। किस तरह से महाराज के सामने सेनापति को दूर कर दिया, महाराज को एहसास भी नहीं हुआ। महारानी जी, इसीलिए तो मैं अपनी प्रेमिका को महाराज की दुल्हन बनाया। अरे सब बात छोड़िए, लेकिन क्या? मैं जब से इस महल में आई हूँ तो मैं तुम्हारे बिना कितना तड़प रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो देर किस बात की है? अरे इसी बात पे आजा। अरे क्या है, कर रहा है, कुछ बोलेगा? तुम्हारा दिमागी संतुलन खो चुका है। आंखें तो हमारी ठीक है, कभी धोखा नहीं खाई आप। अबे कोई नहीं, मैं अकेला खड़ा हूं। आंखें ठीक है यार? हाँ देखिए जरा। अरे माई हो, दर्द हो रहा है, दिमाग की सही है, दिमाग सही है, आंखें भी ठीक है आप। मंत्री जी साहब। हाँ बोलिए।
जैसे महाराज यहाँ से डोल गए चले गए हाँ, मैं ये देख रहा हूँ आप और महारानी मिलकर चुम्मिया उगल कर रहे हो। श्री राम जी, ये तुम नहीं जानते हो क्या कि मेरा मुद्दा शरमान था क्या कि महाराजा के सर के ताज मेरे सर पे कब सुहाना हो, तो इसलिए मैंने चाल खेला क्या महारानी के खत्म होने के बाद महाराज की शादी मैंने छबीली बाई से करवा दिया। ये है हमारी प्रेमिका छबीली बाई। जी हाँ। ए बाई क्या होता है? रामचादे कोठे पे रहने वाली। कोठे पर रहने वाली? जी हाँ। ये रंडी बतमी मंत्री साहब, आप इतनी बड़ी आप चाल चली। श्री राम जी, मंत्री की चाल है, मंत्री की चाल, इतनी बड़ी चाल आप चले कि महाराज की शादी इस रंडी के साथ। दोबारा मुख से रंडी नहीं निकलना चाहिए। कहो महाराज, ये रंडी रंडी शादी करवा दिए आप और इस राज को आप हड़पना चाहते हैं? जी हाँ। इसका मतलब ये रंडी और रंडी जल्दी बोल, ये रंडी और तू है भलुआ। महारानी जी, ये बीच में दखल दराजी करने चलाया। ये नौकर है, अगर ये बोलेगा ना तो इसका खाना पानी सब बंद हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ बोलो। लेकिन जब तक तू मेरी निगाहों के सामने नहीं रहती। और जैसे सोच ले रानी वैसे पियवा मोर बारे सांवर न गोर बारे हो। जैसे सोच ले रानी वैसे पियवा मोर बारे सांवर न। जैसे सोच ले रहले में डूबी रहोगी तो सोचा हुआ सपना कभी साकार नहीं होगा। चलिए, लेकिन सोच समझ कर काम करना। मैं अच्छी तरह से सोचूंगी, अभी तो महाराज की खबर लेनी है। जी हाँ, और जब तक महाराज जिंदा रहेंगे तब तक आप यहाँ के महाराज बन ही नहीं सकते। तो फिर चलिए, फिर आइए मेरे साथ। चलो लोगों ने, अरे अभी क्या देखा है आप देखना। अरे आजकल के नार छबीली, अरे आजकल के नार छबीली कैसन नाच नचावा की। आजकल के नार छबीली, आजकल के नार छबीली कैसन नाच नचावा की। आजकल के अरे जात चले न चले पहरुआ,
चले ना चले पहरुआ घरे घरे मुहावा थी जात चले ना चले पहरुआ घरे जय मां भवानी की। दोस्तों क्या बताऊं, हमारा नाम कृपाल सिंह है लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे सारे साथी पुलिस ढेर में मारे गए, तन्हा मैं बचा हूं और एक साथी मेरा बचा हुआ है। मुझे भी मरने जीने कोई गम नहीं है, गम इस बात की है मैं डाका डाल के वापस आ रहा था, रास्ते में पहुंचा जंगल में तो वहां पे एक लड़की रोती हुई पड़ी रही, मैं उसे उठा करके ले आया हूं, उसे जिला खिला रहा हूं। अफसोस सी बात की है और मुझे भी मरने जीने कोई गम नहीं है, एक साथी मेरा और बच्चा है वो नमालूम कहाँ भटक रहा है, आ जाए तो उसके बाद बताऊं मैं इसे। क्यों फर्जी गोली चला रहा है? एक बार गोली भरता हूँ दोपहर में चुकती नहीं, टा 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 टा। ये मेरी गमक्सीन है। गमक्सीन नहीं गन मशीन होगी। गन मशीन है। अरे तुम्हारा क्या गिर गए? हमारा चश्मा है। चश्मा है उठा लो इसे। जो गिर जाता है मोबाइल दोबारा नहीं उठाता हूँ। जो गिर जाता उसे नहीं उठाते हो? दोबारा नहीं उठाता हूँ। कितनी कीमत का है? 95,000 का। 95,000 का है तो उठा लो इसे। जो की जाता उठाना नहीं भाई। इसमें क्या खूबी है? अरे इसमें दूरबीन फिट है, दूरबीन फिट है। दूरबीन? और क्या, 15 किलोमीटर दूर देख लेते किसी मकान में कितना धन है। अच्छा, यानी 15 किलोमीटर देख लेते हो कि इस मकान में कितना धन है। और क्या, तो बड़ी कीमत चीज है ये। उठाओ इसे। मैं जो गिर जाता उठाना नहीं हूँ। इसे नहीं उठाओगे? देखो वो किस लिए नहीं उठाओगे? किस लिए नहीं उठाओगे तुम? कावा हमका 95,000 जब 15-20,000 लाख रोज लूटा तही तो। अच्छा इसलिए नहीं उठाओगे? एक दिन डकैती डाल दिया गंगा कैसर वाले के यहाँ हमने। अच्छा अच्छा 2,500,000 रुपया मैंने लूट लिया गंगा कैसर वाले के यहाँ। हाँ, पुनीत शर्मा हमका खदेड़े हेरे पौबे भाग निकले चले गए पेड़ पे भाग गए। देखो श्री राम, हमारे तुम्हारे जो हमें तुम्हें बचे हुए हैं सारे साथी तो मारे गए। 15 आदमी गैंग थे। अच्छा 23 आदमी मार उठे, हमें आप बचे हैं। क्या कहा, 25 आदमी थे, 23 मारे गए, हम आप बचे हैं। अच्छा अच्छा, वह दिन आप डकैती डालने गए थे गांव में। हाँ, गांव ने आपको खदेड़ लिया, आप तो भाग आए। मैं तो भाग निकला और हमका खदेड़ लिया गाँव वाले, भाग नहीं पाए इनारा भार आए पड़े। इनारा मिल गए? एक का पानी रहन रहा ज्यादा नहीं निपुर जाए तुम्हें में। वो तो निकला कैसे? ऐसे मजे मजे एक हफ्ता के बाद निकल गया है। एक हफ्ता के बाद निकला? अरे उसमें साकर डाल सकरा डाला था। सकरा था उसे पकड़ के मजे मजे में निकल आया। चलो अच्छी बात हुई जो निकल आए। अब हमारे हिम्मत नहीं डकैल जावे के। क्यों क्या हुआ? मोटाऊ गए तो हाँ फैला गई थी। अरे बात क्या है बोलो ना, क्यों ना डाका डालोगे? जब समझन जा धनका करे हो डाका डालब हम। देखो श्री राम, मुझे भी महाराज जी ने कोई कम नहीं है तो अंकल जी, लेकिन कम इस बात की है। किस बात की? जो मैं डाका डाल के वापस आ रहा था, हाँ, जंगल में जो लड़की मिली और जो छोटी बच्ची मिली थी, हाँ, हाँ, जिसका नाम मैंने तारा रखा, तारा है, आपने नाम रखा है, उसे जिलाने के लिए मुझे डकैती करना ही होगा। बस सत्य चाचा, अगर मर जाएंगे तो उस बच्ची का सहारा कौन बनेगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा? यही सोच रहा हूँ श्री राम। तो चाचा आप क्या सोचेगा, हमारा तो बहुत प्यास लगी भाई, गला सूखा जा रहा है। अच्छा जी, यानी तुम्हें प्यास लग गई है? बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे पानी तो नहीं मिलेगा। तो वो सामने जो देखो कक्का जी किनारा दिखाई दे रहा है, वो सामने, हाँ चाचा वहीं पे चलो पानी पियो। हाँ, उसके बाद पानी पीने के बाद कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद सोचे कहाँ हमें चलना है। चलना है, चलिए चाचा उठाओ इसे। चलो गंगा जी पानी पिया जाए। अरे कैसे बच्चा रो रहा है? बच्चा नहीं रो रहा है तो गंगा माँ रो रही है कि दोनों पापी आ रहे हैं? नहीं नहीं, गंगा माँ नहीं रो रही है,
कोई बच्चा रो रहा है। बच्चे की आवाज है? चलो देखो। देखो चाचा कहाँ रो रहा है बच्चा। चुप रहो भैया, चुप रहो ना, चुप रहो, चुप रहो। क्या भगवान, ना मालूम किस कसाई ने इसे गंगा जी में फेंक दिया। एकद बार वही सल गया है चाचा। ए, बार नहीं सल गया, इसका मुंडन हुआ है देखो, छोटा छोटा जामा है। हाँ, लेकिन कितना सुंदर बच्चा है, ना मालूम किस कसाई ने इसे गंगा जी में फेंक दिया। एक काम करा, ये कहीं गंगा माई में बहावा। ये क्यों? नहीं नहीं, कब हिला के बहावा। अरे बात क्या है, का करबे कल चल के, का करबे लई चल के, लई चलबे बहुत करबे, चोर डाकू बनाऊबा उल्का बनाऊबा। पागल कहीं, क्या चोर डाकू नहीं जी, मैं इसीलिए चलूंगा, पालूंगा, जिलाऊंगा, सयाना हो जाएगा जी, तो मेरी बुढ़ाई का सहारा बनेगा। सहारा बनेगा, लोटा पानी आपको मिलेगा चाचा। लेकिन श्री राम, इसके सीने पे देखो, ये कमल का फूल बना हुआ है। चाचा मैं भी देख रहा हूँ, बड़ा सुंदर है। इसके सीने पे कमल का फूल का निशान, बहुत भाग्यशाली लड़का है चाचा। लगता है किसी बड़े घर का बच्चा है। अरे चेहरा ही बतावता है। अब इसीलिए चलूंगा मैं, पालूंगा, जिलाऊंगा। अच्छी बात चाचा, लेकिन एक बात और है। क्या? इसका नाम क्या रखा जाए? कौन बढ़िया नाम रखा? तुम ही बताओ बढ़िया नाम। हाँ, इनका नाम रखा गंगा माई पाए हैं, इनका नाम रखा गंगा दीन। चुप। क्या गंगा दीन? कोई अच्छा नाम बताओ। गंगा दीन ना ठीक नहीं, तो इनका नाम रख दिया गंगा कैशित माई। देखो गंगा माई में मिले, इनका नाम रखो गंगा, गंगा ये गंगा। पागल कहीं का क्या बड़बड़ा रहा है? गंगा कैशित के हमारे मालिक भी आए हैं, पुनीत शर्मा जी। अरे कोई अच्छा नाम ढूंढ करके बताओ। इनका नाम रखा फिर कटहार दीन। अरे बदमाश, कटहार दीन और बढ़हार दीन क्या है? बढ़िया नाम नहीं, तुम्हें नाम नहीं आएगा। आप नाम रखे चाचा कोई बढ़िया नाम। इसका नाम मैं रखूंगा। क्या नाम? इसका नाम आज से मैं रणजीत सिंह रखता हूँ। रणजीत सिंह। हाँ। जो बच्ची आप पाए उसका नाम तारा, इसका नाम रणजीत, रणजीत सिंह। आप दो औलाद वाले हो गए चाचा। इन बच्चों के लिए चल कर पालूंगा, जिलाऊंगा। ये दोनों बच्चे मेरे सयाने हो जाएंगे, बुढ़ाई का सहारा। तो मेरी बुढ़ाई का सहारा बनेंगे। बहुत अच्छा चाचा, चलो उठाओ, उठाओ, चलो 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 चाचा, चलो। अगर हम अकेला हो तो हम ही लड़कियों पाई आई थी यार, लेकिन हमारा परिवार बहुत लंबा है, का करवाई कर पाए के हम। अब एक सारे का हम बहा दिए पत्र, अब चोरी करने में कोई फायदा नहीं है, इसलिए जो उन्हें गांव जा तो उन्हें गांव चार छास लहा है रहा था, मारी है पित्त से चित्त से दग जा। आप पहरा तका है दीपक कुमार मुन्ना, अरे अंगना में महंगू दुआरे जय राम, अंगना में महंगू दुआरे जय राम, कैसे आए घर में हम तोरे बुझी राम। अबे तो मारो जाबे भाई, जाए नहीं बुझी राम महामेवक दमाद। बेल खाए बाबा अनार खाए माँ, बेल खाए बाबा अनार खाए माँ, कटहर का कोवा खिए जबाल माँ, कटहर का कोवा। द्वारपाल। क्या बात है सेनापति मान सिंह? बहुत जोर प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। क्या बताऊं सेनापति मान सिंह, सब सेवा हम लोग कर सकते हैं लेकिन ये सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महाराज का ये आदेश है, जो कोई सेनापति मान सिंह को अन्न जल देगा उसे सजाएं मौत दी जाएगी, इसलिए हम लोग मजबूर हैं, क्या करूं। ठीक है, द्वारपाल महाराज का आदेश है कि जो कोई अन्न जल देगा उसे सजाए मौत दी जाएगी जी, तो महाराज की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है जी। ओ भैया ठीक है, मत पिलाओ पानी भगवान,
ओ भैया, क्या बात है? यहाँ आओ, लो मुलजिम को संभालो। और आप? मैं चाय पीने जा रहा हूँ, दो मिनट में लौट के आ रहा हूँ, ठीक है? लो संभालो। बहुत जल्द आना आप, ठीक है? हम भी एक नंबर जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन जिम्मेदारी समझना। जिम्मेदारी है, लापरवाही मत करना। जाइए, चल रहा हूँ मैं। द्वारपाल जी, सेनापति जी, मुझ पर आप तो ख्याल करिए, ये कैद खाने में डालने के पहले हमें एक लोटा पानी पिला दो। महाराज जी का आदेश है सेनापति जी, की जो आपको अन्न जल देगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। देखिए द्वारपाल, महाराज को इस तरीके से मंत्री और महारानी ने बहका दिए हैं, उनका विश्वास करके इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। ना तो मैं महारानी की इज्जत लूटा, ना मैंने बच्चों को चुराया, और ना मैं नौलखा हार चुराया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया द्वार पर। सेनापति जी, मैं काशी जी के मेले में नहीं गए थे, ना मैं देखा हूँ कि आप महारानी जी का नौलखा हार चुराए, कि दोनों बच्चे चुराए, कि महारानी की आपकी इज्जत लूटे कि नहीं लूटे, मैं नहीं जानता हूँ। आपका दीन और ईमान जाने। द्वारपाल, भगवान दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं, ईमान से बढ़ के कुछ नहीं है। जी हाँ, और सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। सेनापति जी, मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। अब देखिए जेल का गेट है, मैं ताला खोलने चल रहा हूँ, अब आप चलिए जेल के अंदर। या भगवान, तुम सब कुछ दुनिया में देख रहे हो, केवल इतनी मदद करो प्रभु, केवल हथकड़ी किसी तरीके से खुल जाए, क्योंकि ये द्वारपाल जेल का ताला खोलने में बिजी है, और मालिक किसी तरीके से मेरी हथकड़ी खुल जाए, मैं अपने घर जाकर अपने बीवी अपने बच्चों का मैं दीदार कर लूँ। बस इतनी मदद करो प्रभु। अब भगवान, मैं भाग करके मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी से बता दूं। हेलो सेनापति जी, आप जाने तो गजब हो गया। जेल के गेट में ताला मूर्छा लगा है, 20 दाम में चाबी अंट रहा हूं। मुलजिम कहाँ गया? मुझको दो, तुम जाओ एक नंबर। क्या? हाँ, मुलजिम कहाँ गया? मुझको दो, आप एक नंबर जाइए। मुलजिम आप जाने? हाँ, मैं जानू? और कौन जानेगा? अरे तुम पागल हो गए क्या? पागल का बाप हूँ, पागल हो गए हो। अरे क्यों? मुलजिम आपको पकड़ा गया, मुलजिम पकड़िए आप, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। मुलजिम तुमने छोड़ दिया। आप चाय पीने गए थे, हम तो एक नंबर गए थे। तो कौन जिम्मेदार होगा? आप। मैं क्यों जिम्मेदार हूँगा? कौन छोड़ा? तुमने छोड़ा है। आप चिल्लाने क्यों नहीं? चलो, हल्ला मचाना चाहिए। मैं कैसे चिल्लाऊं? मैं मौके बता दो चिल्लाऊं? हैं? मुझे झूठा इल्जाम मत लगाओ। चलो, तुम्हारी फांसी होगी आज महाराज। महाराज जी पूछते हैं, सेनापति जी कौन रिहा किया? तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेंगे। क्यों मैं ले लूंगा? मरना तो एक ही दिन है। अच्छा, एक का दिन मरना है, 10 दिन नहीं। अच्छा, अगर महाराज जी आपको फांसी दे देते हैं, हाँ, तो
तो तुम्हारी औरत जवान है, मैं उसका नौकरी लगवाऊंगा महाराज जी से कहकर, और साथ साथ ड्यूटी करूंगा, और क्या चाहिए। ड्यूटी तुम मार दूंगा भाला रे। औरत हमारी है, ड्यूटी है करेंगे। चलो चलो पहले मंत्री जी बताओ। चलो सेनापति मान सिंह, तुम जेल के अंदर बंद हो और आज इसी जेल के दरमियान आज मैं तुम्हारी कहानी को खत्म करूंगा। न रहेगा पांच और ना बजेगी बांसुरी। और रामचादे अपने आप को बहुत बहादुर लगाता है, आज मैं तुम्हारी बहादुरी देख लूंगा। चलता हूं इसी वक्त। क्या हुआ रे? सुनो मंत्री जी, गजब हो गया है। सुनो मंत्री जी, गजब हो गया है। सेनापति जेल से दफा हो गया। क्या कहा रे? सेनापति जेल से दफा हो गया? अरे नालायक, तुम लोगों की ड्यूटी जेल के द्वार पर थी, तो सेनापति जेल कैसे फरार हुआ? ए जाने, ए खड़े हैं जो, ए बता सकते हैं कैसे? तुम कहाँ थे? तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं एक नंबर गए थे। और ये? ए बताएं? सरकार, मैं चाय पीने चला गया था। अच्छा, ड्यूटी के समय चाय पी रहे हो? चलो महाराज के सामने। या, या, नहीं गलतियाँ। या हुआ अगर मगर लेकिन नहीं, आगे चलो। चलो, चलो। आज मैं ये सोच के निकला था कि सेनापति की कहानी खत्म हो जाएगी और बचेंगे राजा, लेकिन ये लोग सोचे हुए सपने पर पानी फेर दिए। ये खबर महाराज को बताऊंगा, देखो महाराज जी क्या सोचते हैं। महाराज की जय हो। गजब हो गया राजन। क्या गजब हो गया? अरे महाराज जी सुनो, हुई गजब की बात। महाराज जी सुनो, हुई गजब की बात, और सेनापति जेल से भागा आज की रात। महाराज, सेनापति जेल से फरार हो गया और इन दोनों की ड्यूटी थी। महाराज इनसे पूछा जाए कि सेनापति कैसे फरार हुआ। क्या रे? सरकार, सेनापति मानसिंह जेल से कैसे फरार हुआ? महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, शरीर का भरोसा नहीं है। मैं सेनापति जी के इनके हाथ में दे करके एक नंबर चले गए थे महाराज जी। क्या रे इधर? सरकार की तो माई बाप की का? मेरी गलती एक पैसा नहीं सरकार, सारी गलती इनकी है। क्या हो रहा है? दोनों की गलती है। मां मंत्री जी उठाओ हंटर, दोनों की खाल खींच लो। कैसे गए हुआ रे? बोलो साहब। साहब लिया करके सरकार, मैं चाय पीने चला गया था। तुम चाय पीने चले गए थे? जी सरकार, यही गलती हो गई। मैं एक नंबर गया था सरकार। महाराज, ये तो नौकर हैं बेचारे, आज गलती हो गई है। ठीक है महाराज, लेकिन मैं वादा करता हूं कि सेना पर जहां भी होगा मैं उसे फिर ढूंढ निकालूंगा। और सेनापति के घर मंत्री तुझको पठाऊं, सेनापति के घर मंत्री तुझको पठाऊं, और पकड़ लाओ उसको मजा में चखाऊं। जाओ फौज लेकर राजा को पकड़ लाओ। मैं इस वक्त जा रहा हूं सेनापति के घर, और जिस हाल मिलेगा मैं आपके सामने पेश हूं। जाओ उसे पकड़ लाओ। लेकिन
लेकिन इन सिपाहियों से बोल दो कि मैं जो आर्डर दूंगा वही ये लोग करेंगे। सिपाहियों, महाराज मंत्री अभय प्रताप सिंह जो कहेंगे इनकी हुक्म का फरमान होगा। महाराज सिपाहियों आइए मेरे साथ। चलिए